अब तो कामदेव घबराया और कामदेव घबरा करके सोचने लगा कि अब क्या करूं, कैसे कैसे किया जाए। बार बार कामदेव चरणों में गिरने लगे, अब मेरा क्या होगा कि महात्मा साथ दिया तब तो मेरा जीवन अभी तक के श्री नारद जी महाराज ऐसे ज्ञान संपन्न थे कि कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ पाया। भगवान शंकर सुना रहे भगवती को, हाँ देवी मामला कहाँ बिगड़ा, ऐसे भक्त और ज्ञानी कहाँ भीड़ का मामला बिगड़ा का कहाँ। जैसे ही कामदेव चरणों को पकड़े और चरणों को पकड़ करके उन्होंने निवेदन करना प्रारंभ किया, निवेदन करते ही अभी तक के श्री नारद जी महाराज के मन में, बुद्धि में, दिमाग में, चित्त में भगवान के चरणों के प्रति अनुराग था। भगवान के चरणों में अनुरक्ति थी और जैसे ही अपने पैर की ओर देखा तो देखते ही कामदेव बैठा था। भगवान के चरणों से हट करके अपने पैरों की तरफ आया और सोचा मेरे चरणों की कितनी वंदना, इतने में मामला फिसल गया। अभी तक के जो भगवान का ध्यान था, भगवान के ध्यान हटते ही दुख की प्राप्ति होती है। संकट कब आता है? संकट कब आता है जब भगवान की तरफ से ध्यान हट करके संसार की ओर जाता है। जैसे ही उनका संकट मन गया बस उतने में कामदेव तो हाथ निकला, निकल करके कामदेव से कहा कि चिंता मत कर, तू तेरे घबराने का आवश्यकता नहीं है, तो तेरे को श्राप नहीं दूंगा, तू चला जा, इंद्र को बता देना सब अच्छा अच्छा है, घबराओ पता। इंद्र गया, प्रणाम किया, इंद्र ने मुनि की बड़ी प्रशंसा की और मुनि की प्रशंसा करके भगवान का स्मरण किया और कहा कि प्रभु ये भगवान की कृपा से हुआ है। प्रशंसा मुनि की, प्रणाम भगवान को किया, भगवान के कृपा से ये सब हो रहा है। पर इधर मुनि जी महाराज के मन काम की ओर गया, देखते ही बुद्धि विस्मित हो गई, ज्ञानी मूढ़ लगो, उनका ज्ञान विकृत हो गया, संसार की ओर गया और संसार की ओर गाते ही दुख मूलम ही संसार हो, दुख का मूल संसार है, चरणों की ओर गया। इसीलिए साधकों को कहा गया है जब आपको कोई प्रणाम करे, आपको कोई माला पहनाए, आपकी कोई आरती पूजा करे, आपकी कोई प्रशंसा करे तो अपनी प्रशंसा मत मानवा, आपकी कोई पूजा कर रहे तो अपनी पूजा मत मानो, और जिस दिन आप अपनी पूजा उसको मान लिए उसे दिन आप नहीं बच पाओगे।